हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में स्वागत करता हूँ। आज हम बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर को पढ़ेंगे, जिसमें हम ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामास को पढ़ेंगे। और जो यूनिट फर्स्ट है, इसमें हम टाइप्स ऑफ ड्रामास को पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के प्रकार, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, सभी लोग इन क्वेश्चंस को बार बार करेंगे। और साथ में अगर याद नहीं होते तो लिख के करेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बन जाए, पेपर में छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए हम फिर पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रेजेडी, व्हाट इज ट्रेजेडी, ट्रेजेडी क्या है? गिव योर व्यूज ऑन इट्स टाइप्स, गिव योर व्यूज, अपने विचार दीजिए ऑन इट्स टाइप्स, इसके भागों पर। यह क्वेश्चन आएगा, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन ट्रेजेडी, ट्रेजेडी पर एक महत्वपूर्ण नोट लिखिए। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इसका जो आंसर होगा, साथ ही जो भी लॉन्ग आंसर होगा उसकी हेडिंग्स को याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए सभी लोग आंसर लिखेंगे, पहले समझ लीजिए। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन देंगे जो भी लॉन्ग आंसर होगा उसका, फिर यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे एक लाइन छोड़ के, जिससे कि कॉपी लिखे तो अच्छी लगे। टर्म ट्रेजेडी रेफर टू अ ड्रामा ऑफ ए सीरियस और सोरोफुल कैरेक्टर। द टर्म पद ट्रेजडी, देखिए एक ट्रेजडी होती है, एक कॉमेडी होती है। ट्रेजडी हम दुख की घटनाओं से रिलेट करते हैं, कॉमेडी हास्य की घटनाओं से रिलेट करते हैं। ट्रेजडी का मतलब होता है दुखांत, जो दुख दुख से रिलेटेड जो भी घटना होती है वो ट्रेजडीज में आती हैं। द टर्म पद ट्रेजडी रेफर टू निर्दिष्ट करता है एक ड्रामा को ऑफ ए सीरियस, एक गंभीर और सोरोफुल कैरेक्टर। ट्रेजेडी जो है वो एक गंभीर और दुखद कैरेक्टर को रेफर करता है, ठीक है, या दर्शाता है ट्रेजेडी। अगला है, विद अ फैटल ऑफ डिजास्ट्रस कॉन्क्लूजन, विद अ साथ में फैटल घातक ऑफ डिजास्ट्रस विनाशकारी कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष, जिसका अंत विनाशकारी और घातक होता है, जिसके परिणाम हमेशा विनाशकारी और घातक होते हैं। इट इज ए पीस ऑफ ड्रामा इन विच द एक्शन एंड द लैंग्वेज आर एलिवेटेड एंड द एंडिंग इज यूजुअली सैड। इन विच इन इट इज यह है ए पीस, एक भाग ऑफ ड्रामा, ड्रामा का यह एक भाग है। इन विच जिसमें दट एक्शन कार्य एंड द लैंग्वेज भाषा आर एलिवेटेड,
जो बढ़ाए जाते हैं, एंड द एंडिंग और अंत इज उजली प्राय सैड, दुखपूर्ण होता है। इन्वॉल्विंग शामिल करते हुए, द फेल एंड द डेथ ऑफ द हीरो, द फेल पतन, द फॉल एंड द डेथ ऑफ द हीरो, शामिल करते हुए द फॉल पतन एंड द डेथ मृत्यु को ऑफ द हीरो नायक की। दस इस प्रकार ट्रेजेडी ट्रेजेडी इज है ए ट्रेजिक ट्रेजिक प्ले, एक दुखपूर्ण नाटक है। ट्रेजेडी एक दुखद नाटक है। ऑफ सीरियस एक्शन, गंभीर एक्शन का, एंड एन अनहैप्पी एंडिंग, एक अनहैप्पी एंडिंग। इन विच द हीरो, एक दुखद जिसका अंत दुखद होता है। इन बीच जिसमें द हीरो नायक उज्जवली प्राय सफर्स टू डेथ, जिसमें नायक प्राय मृत्यु को प्राप्त करता है। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, हिस्ट्री ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का इतिहास। देखिए हिस्ट्री ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का इतिहास। ट्रेजेडी इज ए गिफ्ट ऑफ एंशियंट ग्रीस, ट्रेजेडी इज है ए गिफ्ट, एक उपहार ऑफ एंशियंट ग्रीस, प्राचीन प्राचीन ग्रीक का इतिहास है। ट्रेजेडी एक प्राचीन ग्रीक का उपहार है। इट वॉज पॉपुलर इन एथेंस इन 1500 BC। इट वॉज पॉपुलर, यह पॉपुलर हुई थी इन एथेंस, एथेंस में, इन 500 BC, 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व में एथेंस में यह पॉपुलर हुई थी। द एथेनियन ड्रामा हैड थ्री, द एथेनियन ड्रामा, एथेंस के ड्रामा हैड रखते थे थ्री ग्रेट ट्रेजिडियंस, ट्रेजिडियंस इन दोज डेज। द एथेनियन ड्रामा हैड थ्री ग्रेट ट्रेजिडियंस इन दोज डेज, एथेंस के ड्रामा उन दिनों तीन ग्रेट ट्रेजेडियंस को रखते थे, जो वे थे एस्चाइलस, सोफोकल्स एंड यूरिपाइड्स, जो तीन महान ग्रेट ग्रेट ट्रेजेडियंस थे वो थे एस्चाइलस, सोफोकल्स एंड यूरिपाइड्स। फेमस ट्रेजिडीज ऑफ दोज टाइम्स, उन दिनों की प्रसिद्ध ट्रेजिडी आर हैं ऑरेस्टिया, काइफोरी एंड यूमेसाइड्स बाई एस्चाइलस, जो एस्चाइलस के द्वारा लिखी गई थी। अगली हैकुबा, ओरेस्टस एंड एंड्रोमैच बाई यूरिपाइड्स, जो यूरिपाइड्स के द्वारा लिखी गई थी। एंड और ओडेपस, टायरेनस एंड इलेक्ट्रा, जो सोफोकल्स के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं रोमन ट्रेजेडी। नेक्स्ट हेडिंग है रोमन ट्रेजेडी। ग्रीक ट्रेजेडी हैड रीच्ड रोम एज अर्ली एज 364 BC। ग्रीक ट्रेजेडी हैड रीच्ड पहुंच चुकी थी रोम, रोम में एज वेल एज 364 BC, 364 BC, 364 ईसा पूर्व के आसपास ग्रीक ट्रेजेडी रोम में पहुंच चुकी थी।
बट लेकिन अर्ली रोमन प्लेस वर मेयर लिमिटेशंस बट अर्ली रोमन प्लेस वर पर मेयरली इमिटेशंस बट लेकिन अर्ली रोमन आधुनिक प्लेस नाटक पर थे मेयरली सिर्फ इमिटेशंस, केवल नकल थे और कुछ नहीं थे। द ट्रेजडीज ऑफ सेनेका केम आफ्टर दैम। द ट्रेजडीज ऑफ सेनेका, सेनेका की ट्रेजडी केम आफ्टर, बाद में आई दैम उनके, इन सबके बाद में सेनेका की ट्रेजडी आई। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, द रेनेसेंस, पुनर्जागरण, ट्रेजडीज का पुनर्जागरण। इन द लेट 15th century इटालियन अकेडमिक्स बिगेन रीचेस इनटू द ड्रामास ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम। इन द लेट 15th century 15वीं शताब्दी के अंत में इटालियन अकेडमिक्स बिगेन रीचेस पहुंचने, इटालियन अकेडमिक्स पहुंचने लगे इनटू द ड्रामास, ड्रामा में, ऑफ एंशियंट ग्रीस, प्राचीन ग्रीस के ड्रामा में इटालियन अकेडमिक्स पहुंचने लगे, एंड रोम, और रोम के। द फर्स्ट ट्रेजडी इन इंग्लिश वाज गॉर्बोड्यूक। प्रथम ट्रेजडी इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, वास थी गॉर्बोड्यूक। गॉर्बोड्यूक अंग्रेजी में पहली ट्रेजडी थी। इट वाज रिटन बाय नॉर्टन एंड सैकविले इन 1561। जो इट वाज, यह लिखी गई थी, रिटन बाय पैसे बनाया गया है, इट वाज रिटन बाय, यह लिखी गई थी नॉर्टन और सैकविले के द्वारा 1561। यह 1561 में नॉर्टन और सैकविले के द्वारा लिखी गई थी। इट इज ए क्लासिकल ट्रेजडी। यह एक वर्गीकृत ट्रेजडी थी, यह ट्रेजडी है। इट इज ए क्लासिकल ट्रेजडी, यह एक वर्गीकृत ट्रेजडी है। अगली हेडिंग देखते हैं, एलिजाबेथन एंड जैकोबियन ट्रेजडी, एलिजाबेथ और जैकोबियन की ट्रेजडी। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, लॉन्ग आंसर में आप सभी लोग हेडिंग जरूर याद करके जाना, क्योंकि हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक भी हेडिंग छूटना नहीं चाहिए। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको लिख के बार बार रिवाइज करेंगे, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। देखिए, एलिजाबेथन ट्रेजडी इज बेस्ड ऑन द फीचर ऑफ क्लासिकल ट्रेजडीज। एलिजाबेथन ट्रेजडी इज बेस्ड ऑन द फीचर ऑफ क्लासिकल ट्रेजडी। एलिजाबेथन की ट्रेजडी इज बेस्ड ऑन, आधारित है द फीचर, विशेषता पर, ऑफ क्लासिकल ट्रेजडी, वर्गीकृत ट्रेजडी की विशेषता पर आधारित है एलिजाबेथ की ट्रेजडी, ठीक है। शेक्सपियर्स फेमस ट्रेजडीज आर, शेक्सपियर की प्रसिद्ध ट्रेजडी आर हैं, हैमलेट 1601 जो 1601 में हैमलेट ने लिखी थी, नंबर दो ओथेलो जो 1604 में लिखी गई थी, मैकबेथ जो 1605 में लिखी गई थी, एटसेट्रा, और भी होंगे एक दो। बेन जॉनसन्स रोमन ट्रेजडीज, बेन जॉनसन की रोमन ट्रेजडीज, इनकी पहली थी सैजानस जो 1603 में लिखी गई थी, और कैटलीन जो 1611 में लिखी गई थी, आर रोमन हिस्ट्री प्लेस कंस्ट्रक्टेड ऑन क्लासिकल प्रिंसिपल्स। एंड कैटलीन आर रोमन हिस्ट्री प्लेस, आर है रोमन हिस्ट्री प्लेस, रोम के ऐतिहासिक नाटक कंस्ट्रक्टेड
जो कंस्ट्रक्टेड किए गए थे, बनाए गए थे ऑन क्लासिकल प्रिंसिपल्स, जो वर्गीकृत सिद्धांतों पर बनाए गए थे। देखिए, एक प्रिंसिपल होता है, एक प्रिंसिपल्स होता है, प्रिंसिपल्स होता है सिद्धांत, इसमें PLES होता है, एक प्रिंसिपल होता है जो होता है किसी कॉलेज का प्रधानाचार्य, इसमें डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है। रोमांटिक ट्रेजेडी RY बेबस्टर, बेबस्टर के द्वारा रोमन ट्रेजेडी लिखी गई है। अगली हेडिंग देखते हैं, लेटर ट्रेजेडी, बाद की ट्रेजेडी जो बाद में आई, आफ्टर जैकोबियन टाइम्स, जैकोबियन के समय के बाद ट्रेजेडी बिगेन टू टेक ए टर्न, जैकोबियन के समय के बाद ट्रेजेडी ने एक टर्न लिया, मतलब मोड़ लिया टू वार्ड्स की ओर क्लासिसिज्म, वर्गीकरण की, इन 1671 1671 में ट्रेजेडी ने एक वर्गीकरण की तरफ मोड़ लिया, आफ्टर जैकोबियन टाइम्स, जैकोबियन टाइम्स के बाद। द रेस्टोरेशन ट्रेजेडी इज हेरोइक ट्रेजेडी, द रेस्टोरेशन ट्रेजेडी इज हेरोइक ट्रेजेडी, द रेस्टोरेशन ट्रेजेडी एक है हेरोइक ट्रेजेडी, एक श्रेष्ठ ट्रेजेडी है। इन द नियो क्लासिकल एज टू रिमार्केबल क्लासिकल ट्रेजेडीज वर प्रोड्यूस्ड, इन द न्यू क्लासिकल एज, एक न्यू क्लासिकल युग के बाद टू रिमार्केबल क्लासिकल ट्रेजेडी, दो रिमार्केबल भव्य क्लासिकल वर्गीकृत ट्रेजेडी वर प्रोड्यूस्ड की गई थी। दे वर वे थी एडिशंस, कैटो एडिशन की, कैटो जो 1713 में लिखी गई थी, एंड डॉक्टर जॉनसन्स इरीन जो 1749 में लिखी गई थी। देखिए अगला हेडिंग देखते हैं, मॉडर्न ट्रेजेडी, आधुनिक ट्रेजेडी। द आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टीप, एक लंबे समय के उछाल के बाद द इंग्लिश थिएटर वाज रिवाइव्ड इन 1890s। द इंग्लिश थिएटर वाज रिवाइव्ड, वाज रिवाइव्ड पुनः परिवर्तित हुआ इन 1890s 1890 में। सून मॉडर्न, जल्दी मॉडर्न ट्रेजेडी, आधुनिक ट्रेजेडी केम इन टू बींग, केम इन टू बींग। सून मॉडर्न ट्रेजेडी केम इन टू बींग, जल्दी ही मॉडर्न ट्रेजेडी केम इन टू बींग, मॉडर्न ट्रेजेडी की उत्पत्ति हुई। देयर हैव बीन ए नंबर ऑफ ट्रेजेडियंस इन द प्रेजेंट एज, मॉडर्न ट्रेजेडीज कैन बी डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स, देयर हैव बीन ए नंबर ऑफ ट्रेजेडीज, ए नंबर ऑफ ट्रेजेडियंस, ट्रेजेडियंस के नंबर के बाद इन द प्रेजेंट एज, आधुनिक युग में मॉडर्न ट्रेजेडीज, आधुनिक ट्रेजेडी कैन बी बांटी जा सकती थी इन टू ग्रुप्स, समूहों में, सोशल ट्रेजेडियंस ट्रेजेडीज एंड डोमेस्टिक ट्रेजेडीज, सोशल ट्रेजेडीज और डोमेस्टिक ट्रेजेडीज दो समूहों में बांटी जा सकती थी। चलिए, हमने अभी तक जो क्वेश्चन पढ़ा था उसका जो कॉन्क्लूजन है वो देख लेते हैं, क्या निकला इससे, कॉन्क्लूजन जरूर डालेंगे लॉन्ग आंसर में। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो हेडिंग करा रहा हूँ वो बार बार
लिख के रिवाइज करिए जिससे आप भूले ना। टू कॉन्क्लूड शामिल करते हुए, ट्रेजडी इज ए ट्रॉजिक प्ले, ट्रेजडी एक ट्रॉजिक प्ले है, दुखद पूर्ण नाटक है। इट रिफर्स, यह निर्दिष्ट करता है टू ए सीरियस, एक गंभीर और सोरोफुल कैरेक्टर, एक दुखद पूर्ण कैरेक्टर को निर्दिष्ट करता है। इट इज अ सोरोफुल एंड फैटल कंक्लूजन, यह एक सोरोफुल दुखद पूर्ण और एक घातक अंत है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने एक पहला क्वेश्चन करा था, बाकी की क्लास आगे देखेंगे। सभी लोग जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बार बार करेंगे, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।